कानून वापसी पर लगी कैबिनेट की मुहर। तीनों कृषि कानून वापस लेने को मिली है हरी झंडी। कृषि कानून वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की बैठक। कृषि कानून वापसी पर लगी कैबिनेट की मुहर। तीनों कृषि कानून वापस लेने को मिली है हरी झंडी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कृषि कानून वापस लेने के कृषि कानून वापसी पर लगी कैबिनेट की मुहर। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों कृषि कानून वापस लेने को मिल गई है हरी झंडी। जहां कृषि कानून वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है ये बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की मीटिंग, जहां पर कृषि कानून वापस लेने पर लगी है कैबिनेट की मुहर। तीनों कृषि कानून वापस लेने को मिली हरी झंडी। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध अतिक्रमणकारियों पर लिया गया है फैसला, जहां अवैध अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस ने किया है जेसीबी मशीन से अवैध अतिक्रमण, कराया गया है ध्वस्त करोड़ों की बताई जा रही मुक्त कराई गई जमीन। चकिया नगर के वार्ड नंबर 6 ब्लॉक गेट के पास का है ये पूरा मामला। अवैध अतिक्रमणकारियों पर लिया गया है एक्शन, अवैध अतिक्रमणकारियों पर गर्जा बुलडोजर। 26 नवंबर को सीएम योगी का अयोध्या दौरा है, सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। सीएम योगी वर वधु को देंगे आशीर्वाद। 3000 जोड़े बंधेंगे विवाह के बंधन में। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, श्रमिकों की पुत्रियों का होगा विवाह, जहां जिला प्रशासन जुटा है तैयारियों में। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, 26 नवंबर को सीएम योगी का अयोध्या दौरा है, जहां सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। सीएम योगी वर वधु को देंगे आशीर्वाद। 3000 जोड़े बंधेंगे विवाह के बंधन में, जहां श्रमिकों की पुत्रियों का होगा विवाह, जिला प्रशासन जुटा है तैयारियों में। से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां 26 नवंबर को सीएम योगी का अयोध्या दौरा होने जा रहा है, जो सामूहिक विवाह का आयोजन होगा, जिसमें शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी वर वधु को देंगे आशीर्वाद। 3000 जोड़े बंधेंगे विवाह के बंधन में, जहां श्रमिकों की पुत्रियों का होगा विवाह। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वर्गीय जन शताब्दी गोष्ठी में पहुंचे हैं महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कैबिनेट मंत्री हुए हैं शामिल। छात्राओं ने राष्ट्रगान गाकर किया महामहिम का स्वागत। दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। स्वर्गीय हरमोहन सिंह की जन शताब्दी पर गोष्ठी की गई है। जन शताब्दी गोष्ठी में पहुंचे हैं महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कैबिनेट मंत्री हुए हैं शामिल। छात्राओं ने राष्ट्रगान गाकर महामहिम का स्वागत किया है। दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जन शताब्दी गोष्ठी में पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। जहां छात्राओं ने राष्ट्रगान गाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। 25 नवंबर को पीएम मोदी का जेवर दौरा, 11:50 पर जेवर हेलीपैड पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। जहां 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। कार्यक्रम के बाद दिल्ली वापस रवाना होंगे पीएम नरेंद्र मोदी।
इस वक्त की बड़ी खबर, 25 नवंबर को पीएम मोदी का जेवर दौरा है। जहाँ 11:50 पर जेवर हैरी पॉइंट पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, 12 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, यहाँ शिलान्यास और जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्नाव से बड़ी खबर, बाइक बनी आग का गोला, आग लगने से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हुई, शॉर्ट सर्किट से लगी है आग, बाइक चालक की सूझबूझ से टला एक बड़ा हादसा। सदर कोतवाली के शेखपुर नहर के पास की है ये पूरी घटना। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बाइक आग का गोला बनी है, जो शॉर्ट सर्किट से लगी है आग, बाइक चालक की सूझबूझ से टला है ये हादसा। सदर कोतवाली के शेखपुर नहर के पास की है ये पूरी घटना।